चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज पार्ट टू लेकर आए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने द स्टेटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखे हो तो आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी जा रही है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, टोटल आपको पढ़ाया जा चुका है। अब चलिए हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या हमें पढ़ना है वो चीज ध्यान समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। हालांकि हम अभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं, लेकिन अगर जितने भी बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप 199 पर मंथ, सिर्फ 199 का ही प्लान रखा गया है। आप अगर ज्वाइन कर लेंगे तो आपको अनसॉल्व पेपर से भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व कराए जाएंगे, और जिसकी यूनिवर्सिटी में ये ऑब्जेक्टिव ना हुआ रिटर्न पेपर हुआ तो रिटर्न पेपर के भी अनसॉल्व सॉल्व कराए जाएंगे, साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज बताए जाएंगे एक बार, और साथ साथ पूरे ओवरऑल एक अलग से मैं खुद पेपर बनाऊंगा जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए अभी तक अगर जितने भी बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं तो सिर्फ 199 का प्लान है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन किस प्रकार करना है, कई बच्चे तो कन्फ्यूज जाते हैं, डेबिट कार्ड एटीएम जो हमारा होता है इन सभी से, क्रेडिट कार्ड से नहीं कर पाते हैं, वो सिंपली आप फोन पे गूगल पे से भी ज्वाइन कर सकते हो। आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वो किस प्रकार ज्वाइन करना है मैंने ऑलरेडी आपको सभी को बताया है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस प्रकार हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको छोटी छोटी चीज़ें माइंड में रखनी पड़ती है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप थियोरी रट लो बस आ जाएगा, आप कितना सोच सकते हो या कितनी छोटी सी छोटी बातें आपको दिमाग में रख सकते हैं वही सभी चीज़ें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन करा है टू डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, कोई दो डाइस है जो कि साथ साथ फेंकी जा रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिक्स ऑन बोथ ऑफ देम इज, छे आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब पासे में ऊपर ही तो आएगा छे, वही तो माना जाता है, छे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब साथ साथ कितने पासे फेंके गए, कितने डाइस फेंके गए, छे, छे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब अपर मोस्ट में छे आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, बहुत सिंपल है, आप देखते ही बता सकते हो 1/36, बट कैसे, आपको आना भी तो चाहिए। हमने बताया अगर जितने भी लोग पढ़े हैं एक तरफ से लेक्चर देखे हैं, आई बटन में लिंक दिया जा रहा है, अगर आप एक तरफ से लेक्चर देख रहे हो तभी समझ में आएगा। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना चाहो जिसका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उनको नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि वो सिर्फ रटेंगे, जितना बताया जाएगा सिर्फ कन्फ्यूज होंगे। इसलिए मैं साफ साफ कहता हूँ पहले थियरी जाकर पढ़ो, हर एक पॉइंट पढ़ो, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाना, अदरवाइज आप मत पढ़िए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नहीं समझ में आएगा। जितने भी बच्चे चैट सेक्शन पर बैठे हैं सब लोग लिखो, क्या आप लोग थ्योरी पढ़े हो, तब हम आगे चलते हैं। क्या आप लोग थ्योरी पढ़े हो, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे थ्योरी पढ़ चुके हैं, थ्योरी आप लोग भी पढ़ लीजिए जो नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टू डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, कोई दो डाइस है, ये देख लो कोई दो डाइस है, ध्यान से समझना, दो डाइस है, एक डाइस हो गया एंड सिमिलरली दूसरा डाइस हो गया, दो डाइस है जो कि थ्रोन फेंका जा रहा है सिमल्टेनियसली, कर रहा है टू डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिक्स ऑन द बोथ ऑफ देम इज, दोनों में साथ साथ छह आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको बताना है, मतलब दोनों में हमारा छ आ जाए, अपर मोस्ट में दोनों में छह आ जाए। तो अगर हम बात करें जब दो डाइस में साथ साथ की बात की जाए, सिमल्टेनियसली कोई दो घटनाएं हो रही है साथ साथ की बात की जाए, तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है, दोनों में से किसी एक घटना की बात की जाए तो वहां पर एडिशन होता है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो दोनों साथ साथ छह आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अपकमिंग सिक्स अपर मोस्ट, छह ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फॉर वन डाइस, किसी एक डाइस के लिए क्या होगी, क्योंकि छह जो आएगा किसी एक फेज में आएगा, एक फेज में आएगा ना, अपर मोस्ट वाले फेज पर, क्योंकि एक डाइस में छह फेज होते हैं, अपन में टोटल नंबर ऑफ फेज,
6। जैसे कोई कॉइंस लेते हो, कॉइंस को टास करो, टास करने के बाद अगर हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई, तो टेल कितने फेस पे आ रहा है? सिर्फ एक, और टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं? दो। यहां पर जब हम डाइस ले रहे हैं तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ फेस 6 होते हैं। अरे जैसे मान लो ये डाइस है आपका, अरे लूडो की गोटी डाइस, मान लो ये कमरा आपका, ये भी तो डाइस के आकार का है, चारों दीवारें और एक छत एंड फर्श, हुआ ना 6। तो ऐसे ये भी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अपकमिंग 6 अपरमोस्ट, 6 के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी फॉर वन डाइस इज 1/6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अब 6 अपरमोस्ट फॉर 2 डाइस, 2 डाइस के लिए अगर हम निकालें तो एक के लिए 1/6 एंड दूसरे के लिए भी 1/6 मल्टीप्लीकेशन यहां पर होता है, क्योंकि सिमल्टेनियसली की बात की जा रही है, क्या हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर मतलब 36। तो यहां पर से कोई ऑप्शन मिल रहा है, कोई ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कितने लोगों का सही आया, चैट सेक्शन में लिखो, काफी बच्चे तो आंसर पहले से भी लिख के बैठे हैं, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चे पढ़े हो लिख रहे हो बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग चैट सेक्शन का उपयोग करते रहिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब लोग कमेंट या कमेंट किया कीजिए चैट सेक्शन में तुरंत, अगर जिसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इज, किसी भी सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है, मैं आपको आंसर बताना है, ध्यान रखना, मैक्सिमम, मिनिमम बट नॉट 1 या फिर 0। फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। मतलब नहीं समझ में आया फिर से समझ लो, जो इक्विलिब्रियम स्टेट में थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है किसी सिस्टम की, मतलब कोई सिस्टम यदि इक्विलिब्रियम में है तो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी क्या? फटाफट से आप लोग चैट सेक्शन में आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, वो बच्चे पढ़ के आए जो सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर देखते हैं, अगर वो इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है मतलब साम्य अवस्था में, तो जो प्रोबेबिलिटी आती है वो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टर्लिंग फार्मूला फॉर ए लार्ज नंबर एन इज, किसी भी लार्ज एन के लिए हमारे स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है? यार तो स्टर्लिंग फार्मूला कितनी बार हमने लगाया है इसको तो सब लोग लिख लो, ये देखो कई बार पूछा भी जा चुका है, और यहाँ पर ये मत देखिएगा एक दो बार लिखा गया, ऐसा नहीं है, इनके पास उतना कलेक्शन नहीं होता हर यूनिवर्सिटी में देख सके, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। क्या करते हैं कि जिधर से इनकी बुक बनती है वो अगल बगल के एक आध दो साल के पेपर उठा लेते हैं, बस उसको लिख देते हैं, बस ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि आपको दो ही बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है। स्टर्लिंग फार्मूला होता है, हमने बताया है स्टर्लिंग फार्मूला, क्योंकि मैंने कई बार लगाया भी है ऑलरेडी अपने क्वेश्चन में, स्टर्लिंग फार्मूला जो हमारा निकल के आता है दैट इज, अगर हम लॉग फैक्टोरियल एन की बात करें तो ये एन लॉग एन माइनस एन निकल के आता था, विच इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, कि इन ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 पार्टिकल बिटवीन 2 बॉक्सेस विद इक्वल प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3/7 इज, इसको इधर बताते हैं, इसको एक बार आप लोग लगाओ खुद से उसके बाद हम लगाए। कह रहा है कि इन ए रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, कोई एक तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 पार्टिकल, कोई 10 पार्टिकल है बिटवीन 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज, दो कि दो इक्वल साइज कंपार्टमेंट में डिवाइड किए जा रहे हैं 10 पार्टिकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3/7 इज, जब ऐसे दिया जाए तो क्या करोगे, यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या दिया जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल एन, या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू 10 दी जा रही है, और 3/7 क्या है, ये देखो 3/7 के रूप में ये डिवाइड किया जा रहा है, मतलब 3/7 जब इस प्रकार दे दे, या एक को r मान लिया करो दूसरा हमारा n माइनस r आ जाएगा, या एक को n माइनस r मान लो दूसरा हमारा
आर की वैल्यू दी जाती है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है आपकी 3, एन माइनस आर क्या जाएगा, एन की वैल्यू 10, 10 माइनस 3 7 ऑलरेडी आया हुआ है, या एन माइनस आर की वैल्यू 3 मानोगे आएगा भाई सिमिलर, आपके मानने के ऊपर डिपेंड करता है, एन माइनस आर की वैल्यू 3 मानोगे आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। अब काफी बच्चे ये नहीं समझ पा रहे होंगे क्यों ऐसा माना जाता है, आओ दिखाते हैं। जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल 4 लेते थे तो जब हम इनडिस्टिंग्विशेबल करते थे, दूसरा हमारा होता था डिस्टिंग्विशेबल, हमें इसकी चर्चा नहीं करनी, हम सिर्फ इनडिस्टिंग्विशेबल की ही चर्चा करेंगे। जैसे जब हम 4 पार्टिकल लेते थे जिससे किस प्रकार डिवाइड करते थे, ये चीज देखेंगे। जब एक में हम 4 रखते थे दूसरे में कुछ नहीं, अगले वाले में हम 4 माइनस 1 करते थे इधर हम 1 रखते थे, इधर 4 माइनस 2 करते थे इधर 2 रखते थे, इधर 4 माइनस 3 करते थे इधर 3 रखते थे, इधर 4 माइनस 4 करते थे इधर 4 रखते थे, ऐसे ही तो करते थे। नहीं समझ में आया, अरे बालक देखो 4 0 ये 4 में से गया 3 इधर 1, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 4 गया 0, ऐसे तो किया गया था कि जितना इधर घटाओगे उतना इसमें बढ़ेगा, क्योंकि 4 था इधर कोई पार्टिकल नहीं था, इधर 3 पार्टिकल बचे, 1 पार्टिकल इसमें चला गया, तो वही तो किया गया है ना, 3 था मान लो 3 था, तो अब अगले वाले में क्या बचेगा, अगले वाले में क्या बचेगा, एन माइनस आर, टोटल में से आर की वैल्यू घटा दो उतनी वैल्यू बचेगी। जैसे ये इसमें अगर 3 रख रहे हो 10 में से, 10 में से 3 रख रहे हो तो इधर तो 7 ही तो बचेगा, 3 और 7 का डिवाइड हुआ है, वही 3 और 7 का डिवाइड किया गया उसमें, 3 और 7 की जब डिवाइड किया जाएगा उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, तो हम सभी जानते हैं हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल n अपान में फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू में 1 अपान 2 रेज टू पावर n, ये तो फार्मूला होता है, फार्मूला तो सभी को याद होगा, n की वैल्यू क्या है 10, n की वैल्यू 10 अपान में r की वैल्यू फैक्टोरियल 3, एन माइनस आर की वैल्यू 7 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 10, ये क्या हो जाएगा 10 का फैक्टोरियल और ये 7 का फैक्टोरियल, यहाँ पर कटेगा देखो 10 गुड़े 9 गुड़े 8 गुड़े 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 10, और ये हो जाएगा हमारा 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये हमारा बचेगा कितना 10 गुड़े 9 गुड़े 8 बटे 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2, ये 2 की पावर 10 माइनस 10 ऊपर चला जाएगा, एंड 3 जा 9 एंड 2 5 जा 10, 5 15 120 120 इंटू 2 रेज टू पावर माइनस 10, ये बचे मेरी प्रोबेबिलिटी। बोलो आ रहा है कि नहीं, कितने बच्चों का आया, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ध्यान से समझना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए मिल रहा है ऑप्शन तो वो हमारा सही होगा। सो इतना नोट डाउन करें, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टेक ए स्क्रीनशॉट, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, हम आगे चलें, समझ में आप 100% क्लियर हुआ, चैट सेक्शन में सब लोग लिख दो समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इन इक्विलिब्रियम स्टेट सिस्टम हैज इट्स प्रोबेबिलिटी 0 मैक्सिमम मिनिमम इन ऑल ऑफ देम, ये तो दोहरा दिया यार क्वेश्चन, अभी जस्ट पहले दिया था मैक्सिमम होगा। सो चलिए इस पे हम बहुत ज्यादा समय नहीं खर्च करेंगे, आप सभी जानते हो, आपने पहले आंसर भी दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी, जब कोई सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा तब उसकी एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी 0 होगी, पहला कह रहा है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी मिनिमम होगी, तीसरा कह रहा है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, एंड फोर्थ हमारा कह रहा है प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम बट एंट्रोपी इज मिनिमम, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी एंट्रोपी मिनिमम होगी। फटाफट से आंसर दीजिए, क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। मैं चैट सेक्शन देख पा रहा हूं कितने बच्चे सही लिखते हैं, नहीं मेरे प्यारे बच्चों काफी बच्चे तो सही लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, बट कई बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ऐसा नहीं है, जब यार प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो एंट्रोपी तो बढ़ना ही बढ़ना है,
आने की संभावना बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, मतलब जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, दोनों में से अर्थात दो के दोनों साथ साथ बढ़ेंगे। और हम जानते हैं जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगा तो मैक्सिमम होगा प्रोबेबिलिटी, जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो रही है तो हमारी एंट्रोपी तो मैक्सिमम ऑलरेडी होगी। ऑप्शन नंबर डी कैसे सही होगा? तो यहां पर आया क्या, प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी बोथ आर मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रो स्टेट इज, किसी मैक्रो स्टेट की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल, क्या हम किसी मैक्रो स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल होती है, या फिर नंबर ऑफ सेल होती है, या फिर नंबर ऑफ सिस्टम होती है, या फिर नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट होती है। किसी भी मैक्रो स्टेट के लिए जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, फटाफट से आंसर दो। हमें पता है इसका आंसर सब लोग सही दोगे, अरे वाह क्या बात है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो किसी भी मैक्रो स्टेट के लिए, मैक्रो स्टेट माइक्रो स्टेट कब से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैक्रो स्टेट के लिए जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगी वो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट कहलाती है, क्योंकि हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में बताए थे कि द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट ऑफ एनी माइक्रो स्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी बात है, किसी भी माइक्रो स्टेट के लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो होगी वो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट, एमआई। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी आएगा। चलो क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी, अगर आप इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी का प्रिंसिपल नहीं पढ़े तो आई बटन में लिंक मिल रहा है, पूरी प्लेलिस्ट के लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको हेडिंग मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी, आप वहाँ पर जाकर पढ़ लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ऑफ प्रायरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि द माइक्रो स्टेट ऑफ मीन एनर्जी इज मोस्ट प्रोबेबल, क्या जो मैक्रो स्टेट होता है मीन एनर्जी का वो मोस्ट प्रोबेबल होता है, मतलब इसका थ्योरी के अनुसार कहाँ कौन सा तथ्य गया था वो पूछ रहा है, और ये तभी आपको पता चलेगा जब आप पढ़े होंगे। दूसरा कह रहा है द स्टेट ऑफ लोएस्ट एनर्जी इज मोस्ट प्रोबेबल, या फिर माइक्रो स्टेट इज ऑफ डिफरेंट एनर्जी आर इक्वली प्रोबेबल, या ऑल द माइक्रो स्टेट ऑफ द प्रोबेबल आर इक्वली प्रोबेबल, फटाफट से चैट सेक्शन में लिख डालो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, फटाफट से चैट सेक्शन का उपयोग करो। इसका भी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, काफी बच्चों ने सही बताया, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी बोलता है ये कहता है ऑल द माइक्रो स्टेट ऑफ माइक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल, सभी माइक्रो स्टेट के लिए जो माइक्रो स्टेट होता है वो क्या होता है, इक्वली प्रोबेबल होता है, मतलब जितने भी माइक्रो स्टेट होंगे सबके लिए जितना माइक्रो स्टेट आएगा वो इक्वली प्रोबेबल होगा। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है ऑल माइक्रो स्टेट ऑफ ए गिवन माइक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल इज, क्या है, स्टेटिस्टिकल पॉस्टुलेट है, थर्मोडायनेमिकल पॉस्टुलेट है, पॉस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी एंड पॉस्टुलेट ऑफ इक्वलिटी क्या है। अभी तो जस्ट बताए पॉस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायरी प्रोबेबिलिटी के अनुसार कि ऑल द माइक्रो स्टेट ऑफ माइक्रो स्टेट इज इक्वल प्रोबेबल, अब वही पूछ रहा है कि ये थियरी दी किसने थी ना, किसने दी थी, आपने अभी अभी देखा तो इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं ना, अभी अभी आपने पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी हो नहीं सकती जीरो वन, बिटवीन जीरो एंड वन एंड निगेटिव, फटाफट से जवाब दो, फटाफट से चैट सेक्शन में लिखो, किसी भी प्रोबेबिलिटी किसी भी सिस्टम की या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, आंसर गिव मी आंसर फटाफट, आप लोग आंसर दीजिए चैट सेक्शन में, सब लोग लिखिए, देखते हैं कितने बच्चे से बता पाते हैं। यहां पर बच्चे कंफ्यूज है, कई लोग तो जीरो लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, कई लोग तो माइनस वन लिख रहे हैं, मतलब निगेटिव लिख रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी में कंफ्यूजन है, और सभी नहीं लिख रहे हैं बी और सी, उनको नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर ए और डी में काफी बच्चे ने ए लिखा, काफी बच्चों ने डी लिखा, देखिए, और काफी काफी बच्चों ने ए और डी लिख रहे हैं, मतलब उनको कंफ्यूजन है एकदम से। आप देखिए किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी आने की संभावना वो जीरो भी हो सकती है, जैसे
कॉइन्स आपने उठाया, कॉइन्स को आपने, कोई सिक्का है उसको आपने क्या किया, टॉस किया। जब टॉस करेंगे तो हेड की आने की प्रोबेबिलिटी पूछा, हेड की आने की प्रोबेबिलिटी आप बताते हो हाफ है। अगर वहीं पर सिक्का ना तो हेड आए ना तो टेल आए तब उसकी प्रोबेबिलिटी हेड की क्या हुई, जीरो। हेड की प्रोबेबिलिटी, ना तो हेड आया ना तो टेल आया, अगर हेड और टेल आया था तो बात अलग थी, कुछ भी नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो भी हो सकती है। सिक्का खड़ा हो गया ऐसे ना, मतलब जब हम टॉस करते हैं, कोई टीम बनाते हैं, अगर टेल हेड आता है दोनों, अगर टीम बोलती है जो जीतता है वो पहले आपका खेलता है टीम में, तो अगर आप वही चीज देख पा रहे हो, अगर कुछ भी नहीं आया आप फिर से टॉस करते हो, इसके इसका मतलब आपका कोई रिजल्ट नहीं मिला, जीरो भी हो सकता है बट निगेटिव होगा कभी नहीं, निगेटिव होगी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया वो सही है, और जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया वो गलत ना, वो समझ लें। और सबको समझ में आ गया ना, बोलो हाँ या ना, यहां तक सबको समझ में आ, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू इवेंट विच नेवर अकर सिमल्टेनियसली, दो घटनाएं जो कि कभी भी साथ में नहीं हो सकती, दो इवेंट विच नेवर अकर सिमल्टेनियसली, दो घटनाएं जो कि साथ साथ नहीं हो सकती, कौन सी घटनाएं कहलाएंगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इनडिपेंडेंट इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एंड नन ऑफ द अबव ना, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट होगा, ऐसा इम्पॉसिबल इवेंट होगा कि जो दोनों साथ नहीं हो सकती, या फिर वो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होगी दोनों साथ साथ हो सकती है ना, आप सिक्का उछालो दोनों में इंडिपेंडेंट दोनों है, एक दूसरे से कोई रिलेटेड नहीं है, सिक्का उछालो एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं, इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है, इंडिपेंडेंट इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट हो नहीं सकता, ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जो एक दूसरे पर प्रभाव डाले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वो जाकर हमारा कभी भी इक्वल नहीं होगा, सिमल्टेनियसली नहीं होगा, ऐसे इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, ये चीज याद रखना। हमने जब आपको कराया था तो वहां पर बताया भी था जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं ये कभी साथ साथ नहीं हो सकते, इंडिपेंडेंट इवेंट हो सकता है। If three molecules occupy two half of a box, ये तीन molecule पाए जा रहे हैं दो half of a box में, then the total number of microstate and microstate of the system are, इसका कहने का मतलब क्या है, number of particles में दे रहा है, number of particle is equal to three। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट होगा, आप सभी को दिया जा रहा है 8 and 4, 4 and 8, 6 and 3 and 3 and 6, क्या होगा फटाफट से गिव मी आंसर, क्या होगा, आपको फार्मूले बताए जा चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूले आपको कई बार बताए जा चुके हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कैसे, क्योंकि हमें माइक्रोस्टेट पूछ रहा है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट का नंबर क्या होता है, n प्लस वन, n की वैल्यू 3 + 1 = 4 एंड नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, पहले माइक्रोस्टेट पूछा था इसलिए 4, 8 हुआ, पहले माइक्रोस्टेट पूछा होता तो 8, 4 होता, माइक्रोस्टेट इज इक्वल टू 2n होता है तो 2^3 हमारा 8 आता है, 2 × 4 = 8 कंफर्म। अगला क्वेश्चन कर रहा है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन माइक्रोस्टेट इज नोन एज, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होता है किसी माइक्रोस्टेट के लिए, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होता है वो क्या कहलाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी, कंपोजिट प्रोबेबिलिटी या नन ऑफ द अबव, क्या कहलाता है, सब लोग फटाफट से लिखेंगे, इसको तो अभी पहले हमने पढ़ा ना, ऑप्शन नंबर ए, कई बच्चों ने बताया ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो आप लोग, इसको तो जस्ट अभी हमने पहले भी पढ़ा, जो किसी भी माइक्रोस्टेट के लिए जो माइक्रोस्टेट होगा वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कैन बी अरेंज इन एम सेल,
कोई यंग डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है वो एम सेल में किस प्रकार अरेंज किया जा सकता है, एन की पावर यम वेज या यम वेज या यम तरीके से या यन तरीके से या फिर यम की पावर यन वेज से, किस प्रकार से। अब इसका आंसर आप लोग खुद दोगे, एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूं, एक बार खुद से ट्राई करो। सेल की संख्या यम है और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कैपिटल यन है, तो किस प्रकार ये बांटे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा सही होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बोलो कितने लोग सहमत हो इससे? कई लोग ऑप्शन नंबर डी लिखे हैं और ये फार्मूला भी आपको बताया गया था। ये सब तो सिंपल सिंपल फार्मूले हैं और ऐसे भी आपको पूछा भी जाता है सिंपल सिंपल फार्मूला। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखोगे ना 100% आप अच्छा कर जाओगे। देखेंगे हम जब करते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करा है, जब हम दो बॉक्स में तोड़ते थे, मतलब दो बॉक्स में यन पार्टिकल लेते थे, यन पार्टिकल, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होता था? 2n। अब इधर क्या ले रहे हो? यम बॉक्स ले रहे हो, यम बॉक्स, और कैपिटल यन पार्टिकल ले रहे हो, तो 2 की जगह पर यम हो जाएगा, जो माइक्रोस्टेट होगा, माइक्रोस्टेट 2 की जगह पर क्या हो जाएगा? यम, एंड यन की जगह पर कैपिटल यन की जगह यन हो जाएगा। ठीक, यम की पावर यन तरीकों से ये क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये फार्मूला अगर हमारा बॉक्स की संख्या बढ़ा दी जाए, कंपार्टमेंट की संख्या बढ़ा दी जाए, तो ये हमारा मैक्रो स्टेट में लागू नहीं होता, हमेशा एन प्लस वन होगा, लेकिन माइक्रो स्टेट में लागू होता 2n। अगला चलते हैं, कराए इफ 2n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 बॉक्सेस। यदि 2n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं 2 बॉक्स में, देन द मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट इज, तब जो मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट होगा वो क्या? ये कि आपको 2n पार्टिकल दिया जा रहा है, 2n पार्टिकल, और आप सभी जानते हो कि जब हम n पार्टिकल को 2 बॉक्स में डिवाइड करते थे और जब मोस्ट प्रोबेबल माइक्रो स्टेट आता था तो क्या आता था? जब हम when n पार्टिकल डिवाइडेड इंटू 2 ए बॉक्स, 2 बॉक्स में डिवाइड करते थे, तो जो मोस्ट प्रोबेबल माइक्रोस्टेट क्या आता था? सबको पता है इतना, माइक्रोस्टेट क्या आता था? n by 2 कमा n by 2। इसका मतलब समझ पा रहे हो? जब हमारा n की वैल्यू 4 था तो मोस्ट प्रोबेबल कब आता था? इसको तो ऐसे ही करते थे, माइक्रोस्टेट की बात कर रहे, 4 0 3 1 2 2 1 3 0 4, इसमें से मोस्ट प्रोबेबल कौन सा होगा? ये मोस्ट प्रोबेबल हुआ करता था, मतलब n by 2 4 बटा 2 2 4 बटा 2 2। अगर यहीं पर 6 ले लिया जाए तो 3 3 जो होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा मोस्ट प्रोबेबल। तो यहाँ पर हम जब n पार्टिकल लेते थे तो n by 2 आता था, जब हम 2n पार्टिकल ले रहे हैं तो 2n by 2 क्या हो जाएगा? n कामा n। When 2n पार्टिकल जब होगा, हमारा पार्टिकल होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल n कामा कैपिटल n। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया? 100% क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इन टॉसिंग ए कॉइन 7 टाइम। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी कॉइन को 7 बार हम टॉस करते हैं, उसमें से 5 बार हमारा हेड आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 5 बार आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक, तो यहां पर देख लेंगे कितनी बार टॉस किए, नंबर ऑफ टॉसिंग द कॉइन 7 बार, हेड कितनी बार आ रहा है, मान लो आर की वैल्यू, तो एन माइनस आर कितना हो जाएगा? 2। अरे इसे तो निकालते हो, मान लिया आर की वैल्यू या एन माइनस आर की वैल्यू मान लो, चाहे जिसकी वैल्यू मान लो, तो कितनी बार टॉस किए? 7 बार। आर की वैल्यू जो अपर मोस्ट आया, मान लिया आर, एन माइनस आर कितना हो जाएगा? 2।
वैल्यू निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 अपान में n माइनस r का फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 2 और r का फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 5 इंटू प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1/2 की पावर 7। तो फैक्टोरियल 7 की वैल्यू क्या होती है, 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल, तो था हमारा ये, इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2 रेस्ट पावर 7 कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई में 2 कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 तो कितना बचा, 7 3 21 अपान 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 2 128 21/128 इज राइट आंसर। देखो कोई आंसर मिल रहा है क्या, 21/128 ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलो समझ में आया, हाँ या ना बोलो सब लोग चैट सेक्शन में, समझ में आया नहीं 100%। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एन पार्टिकल बिकम नैरोअर एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस डिक्रीजेस टेंस टू जीरो या नन ऑफ दीज, क्या होने वाला है यहाँ पर बताइए। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी का कर्व अगर बनाए किसी एन पार्टिकल के लिए, वो धीरे धीरे संकीर्ण होता चला जाएगा जब हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा या घटेगा या जीरो हो जाएगा या फिर इसमें से कोई नहीं। जैसे जैसे आप पहले आप लोग बताइए कमेंट तुरंत लिखिएगा चैट सेक्शन में, ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी। काफी बच्चे ए लिख रहे हैं, काफी बच्चे बी लिख रहे हैं, ना सी और डी कोई नहीं लिख रहा, अरे सी डी भी लिख दो। देखिए काफी बच्चे कंफ्यूज हैं ए और बी में, ऐसा नहीं है, ए और बी में कंफ्यूज मत होइए। अब देखो मैं समझाता हूं, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी घटेगी, जो हमारा कर्व होगा वो संकीर्ण होता चला जाएगा। मतलब 10 पार्टिकल लिए थे तब प्रोबेबिलिटी, 50 पार्टिकल लिए तब प्रोबेबिलिटी। मतलब कॉइंस लिए हो आप, कॉइंस जैसे 2 कॉइंस लिए हो, दोनों में अगर आप टॉस करो आपको कहा जाए हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर आप उसमें से भी छोड़ो कोई नंबर, कोई 10 बॉल लियो, 10 बॉल 10 गेंद 10 गेंदों में से, या 2 गेंद समझ लो, 2 गेंद सिंपल सा, एक लाल है एक हरी है, आपको बिना देखे आंखों पे पट्टी बांध के लाल या हरी में से उठाना है। एक बार आप उठाया मान लीजिए लाल आ गई, दूसरी बार भी उठाया लाल आ गई, तीसरी बार तो मान लीजिए हरी आ गई, आपको प्रोबेबिलिटी क्या हुई, कम हुई प्रोबेबिलिटी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी ना। और वहीं पर आप 50 बॉल ले लो, 50 अलग अलग कलर की, ऐसे बहुत सारे कलर्स ले लो, उसमें से आपको लाल का बॉल निकालना है, मतलब गहरा लाल, तो आप निकालोगे आंख बंद करके, प्रोबेबिलिटी घटेगी बढ़ेगी, घटेगी, कम चांस है उसके आने की। ज्यादा चांस कब था, जब 2 बॉल्स थे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाओ प्रोबेबिलिटी घटेगी, जब प्रोबेबिलिटी घटेगी तो कर्व कैसा होगा, संकीर्ण होता चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो क्या आज के लेक्चर में किसी कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब फिर टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।